بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Students, today we are going to talk about a new chapter whose name is Science and Scientists. On page number 148, you will find this chapter. ये chapter लिखा गया है F. Sherwood Taylor के साथ. मतलब F. Sherwood Taylor is the writer of this chapter. और ये chapter इसकी किताब द वर्ल्ड ऑफ साइंस से लिया गया चैप्टर नंबर 11. सो इफ यू टॉक अबाउट दिस चैप्टर सो देयर आर मेनी पॉइंट्स डिस्कस बाय राइटर इन दिस चैप्टर. इसमें राइटर ने बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि जिक्र किए हैं और सबसे पहले जो उसने एक बात स्टार्ट की है वो ये है कि अगर हम बात करें साइंस की तो अकॉर्डिंग टू अ कॉमन पर्सन और द पर्सन हु इज वॉकिंग इन द स्ट्रीट और हु इज लिविंग इन द स्ट्रीट, वो शख्स आम चलता फिरता भी शख्स है, गली कूचों में रहने वाला चलने वाला, अगर उससे भी पूछा जाए साइंस के बारे में तो वो भी एक क्लियर आइडिया हमें साइंस के बारे में पेश कर सकता है. और वो क्या आइडिया होगा जो कि वो साइंस के बारे में पेश कर सकता है? वो कहता है कि द मैन इन द स्ट्रीट हैज अ वेरी क्लियर आइडिया ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड साइंस. साइंस के इस लव के बारे में एक ऐसा शख्स जो कि गली कूचे में भी रहता हो उसको भी एक अच्छा आइडिया होता है इस लफ्ज के बारे में. वो ये जानता है कि साइंस से मुराद क्या है. वो कहता है कि अगर उसे पूछा जाएगा ना कि साइंस किसे कहते हैं तो ये कहेगा कि एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी और केमिस्ट्री ये तो साइंस है. मतलब इसके बारे में शोर होगा और उसे कुछ शक नहीं होगा इस बारे में कि ये साइंस है या नहीं है. जहां तक बात की जाए एस्ट्रोनॉमी की, केमिस्ट्री की, फिजिक्स सॉरी बायोलॉजी की, उसके बारे में वो कहता है कि ये साइंस है. बट अगर उसे ये पूछा जाए कि तुम पॉलिटिक्स को साइंस समझते हो या नहीं, रिलीजन को, आर्ट को, हिस्ट्री को, इसको साइंस समझते हो या नहीं, तो वो डेफिनेटली यही कहेगा कि मैं इन्हें साइंस नहीं समझता. मतलब वो इसके बारे में क्वाइट श्योर होगा कि हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, रिलीजन ये चीज़ें तो साइंस है ही नहीं. सही, पहली बात ये सीख रही कि एस्ट्रोनॉमी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बारे में अगर उससे पूछा जाए कि ये साइंस है या नहीं तो वो कहेगा कि डेफिनेटली ये साइंस है. बट ये इन चीज़ों के बारे में पूछा जाए तो वो ये कहेगा कि ये साइंस नहीं है. अच्छा, कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि इंजीनियरिंग और मेडिसिन, वो कहते हैं कि अगर इसके बारे में पूछा जाए कि साइंस है या नहीं तो हो सकता है कि वो शोर ना हो, कहे कि हो सकता है कि साइंस हो सकता है कि ये साइंस ना हो. सो दिस पॉइंट डिस्कस्ड बाय राइटर इन फर्स्ट पैराग्राफ. सबसे पहले राइटर ने इस बात को और इस पॉइंट को अपने फर्स्ट पैराग्राफ में जिक्र किया है. अब आगे बात जिक्र करता है और वो ये कहता है कि साइंस एंड साइंटिस्ट की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि साइंस है क्या. सही, अच्छा देखिए मैं कुछ लाइन चाहिए क्योंकि इस चैप्टर में ही शामिल है 148, जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया इसका पेज नंबर है, तो इसको आप लाजमी तौर पर जो है अपने सामने ओपन करके रखें बुक को, पेज नंबर 148 टेक्स्ट बुक का या 11वीं चैप्टर पढ़ लें. यहाँ पर अब वो ये बात करता है कि साइंस और साइंटिस्ट इनका क्या रिलेशन है, प्लस ये कि साइंटिस्ट किस काम में ज़्यादा इंटरेस्ट देता है और किस काम में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देता है. तो वो कहता है कि साइंटिस्ट की अगर हम बात करें तो इज मोर इंटरेस्टेड इन डूइंग साइंटिफिक वर्क. साइंसदान साइंटिफिक वर्क करने में, साइंसी कामों के करने में और वो तजर्बे के कामों, ऑब्जर्वेशन, अभी साइंटिफिक की बात आगे आई क्योंकि साइंटिफिक कहते हैं किसको, कहता है कि साइंसदान साइंटिफिक वर्क करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं देन इन डिफाइनिंग इट, बनिस्बत इसके कि उसको डिफाइन करें. मतलब साइंसी काम करने में उन्हें ज़्यादा मज़ा आता है, साइंस को एक्सप्लेन करना, उसको डिफाइन करना और रिसर्च को जिक्र करना, उसमें इतना ज़्यादा वो इंटरेस्ट नहीं लेते जितना कि उसके करने में इंटरेस्ट लेते हैं साइंटिफिक वर्क करने में. और वो ये भी कहता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि ही समटाइम्स सेज दैट अ पीस ऑफ वर्क और बुक इज अनसाइंटिफिक, किसी भी किताब के बारे में या किसी भी काम के बारे में, अ पीस ऑफ वर्क उसके बारे में साइंसदान ये कह देता है
कि ये अनसाइंटिफिक है, सही कोई काम हो मैं यहाँ पे देखे मेंशन भी करता जाऊँ ताकि आप उसको राइट डाउन जरूर कर लें। सही, वो कहता है कि अगर हम बात करते हैं किसी भी काम की या हम बात करें किसी भी बुक की, कभी कभी ऐसा होता है कि इन चीजों के बारे में एक साइंसदान ये कह रहा होता है कि ये अनसाइंटिफिक है, मतलब साइंटिफिक नहीं है। देखिए दो चीजें होती हैं, एक तो हो गई साइंटिफिक, एक हो गई अनसाइंटिफिक। यहाँ मेंशन भी कर दूँ ताकि आप इसको देख सकें। अनसाइंटिफिक किसे कहते हैं और साइंटिफिक किसे कहते हैं, ये बात भी जरा ध्यान में रखिएगा। देखिए जो साइंटिफिक था उसको अनसाइंटिफिक कहा जाता है, ये तो एक शॉर्टली छोटा सा डिफरेंस है, अगर सुन रहे जानते हैं, बट बात अभी ये चल रही है कि साइंटिफिक कहने से उसमें मुराद क्या है। अब ये बात ध्यान में रखिए क्योंकि इसी को आगे मेंशन करने वाला रहेगा। वो कहता है कि बाद ऐसा भी होता है कि यूजुअली मींस बाय द फ्रेज दैट इट इज इनएग्जैक्ट, जब वो कहता है ना कि ये बात या ये काम या ये किताब अनसाइंटिफिक है, इससे मुराद वो ये भी लेता है कि ये इनएग्जैक्ट है। सही है, मतलब ये एग्जैक्ट नहीं है। तो मतलब ये बना कि साइंटिफिक कहा जाएगा उस काम को जो कि एग्जैक्ट हो, और वो चीज जो कि एग्जैक्ट ना हो, इनएग्जैक्ट हो, इनएग्जैक्ट हो, उसको अनसाइंटिफिक कहा जाएगा। इसी तरह जब आप देखिए कि वो चीज बैडली अरेंज्ड है, वेल अरेंज्ड नहीं है, तो वो चीज भी अनसाइंटिफिक कहलाएगी। अगर बैडली अरेंज्ड है यानी उसको इस तरह कर दिया गया कि उसको ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छे अंदाज में उसको करते दिया गया, ये वेल अरेंज्ड है, अगर कोई ऐसी चीज उसके सामने आती है तो उससे बुरा भी, जब वो कहता है ना ये अनसाइंटिफिक, इसका मतलब ये होता है या तो ये एग्जैक्ट उन्हीं की बात कर रहा है या ये बैटरी अरेस्ट होगी, उसकी बात कर रहा है कि इट इज अनसाइंटिफिक। क्लियर। अच्छा इसी बात को यहाँ पर मैं ये जरूरी समझता हूँ कि साइंस को भी समझ लें ताकि ये साथ साथ आपको और क्लियर हो जाए। हो सकता है कि इस बात को समझने में थोड़ी दुश्वारी आपको पेश आ रही हो, बट ये दो तीन बातें ऐसी होती हैं कि अगर वो समझ में आ जाए तो पूरी बात समझ में आ जाती है। साइंस को अगर हम डिस्कस करेंगे साइंस है क्या, तो साइंस की डेफिनेशन सारे लोगों ने की है और उसको मुख्तलिफ अंदाज में जिक्र किया है। कोई कहता है कि साइंस का मतलब है नॉलेज, इल्म का नाम साइंस है। अब जब आपने ये समझ लिया कि इल्म का नाम साइंस है, तो अब आप उस बात को भी समझ सकते हैं कि ये रिलीजन, ये हिस्ट्री, ये आर्ट और इस तरह की और दीगर सब्जेक्ट क्या साइंस में आते हैं या नहीं। अगर साइंस की आप डिक्शनरी मीनिंग की बात करें, साइंस का मतलब ये नहीं होता कि साइंस से मुराद सिर्फ बायोलॉजी है या केमिस्ट्री है या फिजिक्स है या एस्ट्रोनॉमी है। साइंस का मतलब अगर डिक्शनरी में लिखे देखें तो इसका मतलब है नॉलेज, इसका मतलब है कि हर वो चीज जो कि हमें दे रही है वो सब्जेक्ट साइंस में आ गया। इसीलिए कहा जाता है ना रिलीजियस साइंसेस। सही, तो रिलीजियस साइंसेस से मुराद क्या होता है? रिलीजियस साइंसेस से मुराद होता ही ये है कि आप उस रिलीजन को इल्म मान रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये इल्म है। अंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ, साइंस का एक और मतलब क्या है? ट्रूथ को जानना, सच्चाई को जानना। सच्चाई को जानने का जो नाम है जारे जानना, अंडरस्टैंडिंग समझना, किसी भी तरीके से ख्वाब वो एक्सपेरिमेंट कर करो, ख्वाब वो ऑब्जर्वेशन के जरिए, ख्वाब वो और स्टडी कर करो, किसी तरह भी आपके पास अगर किसी हकीकत का इल्म आता है, सच्चाई को आप जानते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, इट मीन्स दैट यू आर स्टडिंग साइंस, है ना, वो चीज साइंस में चलेगी। इसी तरह साइंस की एक और डेफिनेशन, अच्छा ये देखिए ये वाली जो बातें आपने समझी ना कि साइंस से मुराद इल्म है, साइंस का मतलब है हकीकत को जानना, अरे हकीकत को जानने का नाम इल्म होता है। इन दो बातों को अगर समझने के बाद अब आप इसी बात को रिलेट कर रहे हैं इस बात से जो कि हम जिक्र कर रहे थे अनसाइंटिफिक, कि अगर किसी किताब के बारे में या किसी काम के बारे में साइंटिस्ट ये कह देता है कि अनसाइंटिफिक है, तो मतलब यही हुआ कि फॉर एग्जाम्पल किसी किताब के बारे में उसने कहा, तो उसका मतलब यहाँ यही बना कि ये हकीकत को पेश नहीं कर रही है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रूथ इसके जरिए
पॉसिबल नहीं होंगे। सही है। अब वो वाली बात मैंने जिक्र की थी कि अनसाइंटिफिक का मतलब, जब साइंसदान ये कहता था ये अनसाइंटिफिक है, मतलब ये होता है, वो कहता है ये इनएग्जैक्ट है, ये एग्जैक्ट नहीं है। इसी तरह जब वो अनसाइंटिफिक कहता है तो वो कहता है कि ये अनसाइंटिफिक है, मतलब बैडली अरेंज्ड है, ये अच्छे तौर पर अरेंज्ड नहीं है। क्लियर हो गया? सही। अब आइए जनाब दूसरे इसकी डेफिनेशन की तरफ। पहली डेफिनेशन तो आपने समझ ली, देखिए अब कितना ज्यादा लिंक इनके दरमियान बन रहा है। पहले तो हमने इस डेफिनेशन को समझा था, सबसे पहले हमने अनसाइंटिफिक की बात की थी, फिर हमने इसको समझा, अब हम इसको रिलेट कर रहे हैं आपस में और हमें समझ में आ रही है अब ये बात कि अनसाइंटिफिक का मतलब ये हुआ कि इनएग्जैक्ट है, बैडली अरेंज्ड, मतलब अभी को पेश ही नहीं कर रही है। तो साइंस ही होने का मतलब ये है कि वो साइंस की डेफिनेशन में पूरी तरह बात है। क्लियर? अच्छा जनाब, अब आते हैं हम इस दूसरे डेफिनेशन की तरफ जो कि साइंस के बारे में पेश की गई है। अब वो ये कि साइंस की डेफिनेशन ये भी दी गई है तारीफ कि वास्ट कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। साइंस कहते हैं वास्ट कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स को, फैक्ट कहा जाता है हकीकत को, मतलब कह रहे हैं सच। सही है ना? हकाइक का, हकीकतों का, सच्चाइयों का जो मजमुआ है उसे साइंस कहा जाता है। लेकिन कौन सी हकीकतें, कौन सी सच्चाइयाँ, वो जो कि एक्सप्रेस करें, एक्सप्रेस की गई हो इन अनएम्बिगुअस लैंग्वेज, एक ऐसी जबान में जो कि अनएम्बिगुअस हो, मतलब वो क्लियर कट हो, बिल्कुल समझ में आ जाए कि बात सीधी सीधी बात की, सादा जबान में सिंपली। सही है। अब देखें यहाँ पर रोककर भी एक बात होता है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स को थोड़ा और आसान कर सकते हैं। अगर आपने बहुत सारी पिक्स अपने मोबाइल से या DSLR किसी से भी आपने कैप्चर की है और आप उसको एक फोल्डर में जमा कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप गए थे पिकनिक पर और आपने वहाँ पर बहुत सारी पिक्स ली और उस पिक्स को लेने के बाद आपने एक फोल्डर बनाया हो, चाहे वो मोबाइल में बनाया हो कहीं भी, और उस फोल्डर के अंदर आपने तमाम को रख दिया। अब वो जो पिकनिक वाली तमाम आपकी पिक्चर्स है या बैटिंग की कोई सी भी है, तो वो सबकी सब कलेक्शन कहलाएंगे ना, कि ये वो वाले पिक्स की कलेक्शन है, उनका मजमुआ है। इसी तरह हकीकतों का मजमुआ, जब सारी हकीकतें जमा कर दी जाए, सारी जमात जितनी जमा की जा सकती थी, सही है ना, सच, हकीकत, सच्चाई, तो उनकी जो कलेक्शन है, वास्ट कलेक्शन है, वसी उसका जो मजमुआ है, उनको अगर अनएम्बिगुअस लैंग्वेज में यानी क्लियर लैंग्वेज में जिक्र किया जाए तो वो कहते हैं कि ये ही है साइंस, इसी को तो साइंस कहते हैं। एनीवन कैन टेस्ट इट्स ट्रूथ, और उसके सच को हर कोई टेस्ट भी करके देख सके। कैसे कर सके? बाय ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन के जरिए, एक्सपेरिमेंट के जरिए, मतलब क्या बन और आसान कर ये बताइए कि H2O का मतलब क्या होता है? H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और उसके एलिमेंट, सही है ना, ये आपने पढ़ा है केमिस्ट्री। तो H2O means it is water. Water का जो फॉर्मूला है उसका नाम क्या रखा गया? H2O। उस पर रिसर्च की गई और फिर ये जाना गया कि जनाब ये जो पानी है इसके अंदर हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है और स्किन के इतने एलिमेंट्स मिले और ये पानी बन गया। क्लियर है ना? अब देखिए ये बात कि पानी की जो असल है यानी उसका जो फॉर्मूला है वो है H2O, ये किसी ने बात की, अब हमें कैसा पता चलेगा ये बात सच है या नहीं है? ये ऐसे सच पता चल जाएगी कोई भी उसको टेस्ट करके देख ले, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जितने एनिमल्स हम कह रहे हैं उसको मिला के देख लें, उस प्रोसेस से गुजारें, अगर वाकई पानी बन जाता है उसका मतलब है भाई वो बात जो उसने की है, साइंटिस्ट ने जो ये बात साबित करने की कोशिश की, उसका मतलब है वो बात सही है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, तो हकीकत ऐसी कि जिसको टेस्ट भी किया जा सके। क्लियर है भाई? ये है हकीकत। और इसको टेस्ट कैसे किया जा सकता है? जाहिर है क्या, हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो मैं बात कर चुका हूँ, सही ना? तो ये हो गई जनाब साइंस की दो डेफिनेशन। थर्ड डेफिनेशन एक और में जिक्र की गई है, वो ये साइंस कहा जाता है कलेक्शन ऑफ रूल्स को, कलेक्शन ऑफ रूल्स को, या
कलेक्शन ऑफ लॉज को, यानी साइंस ऐसे रूल्स का या ऐसे लॉज का कलेक्शन है, मजमुआ है जो कि कनेक्ट्स विथ फैक्ट, जो कि फैक्ट से कनेक्टेड है, ये जो हकीकत से जाकर जुड़ जाते हैं। मतलब यूँ समझे, ये ग्रेविटी वाली बात आपने समझी थी ना, कि एक शख्स था न्यूटन और वो दरख्त के नीचे बैठा हुआ था और ऊपर से सेब गिर गया और उसने ये सोचना शुरू कर दिया कि ये सेब नीचे ही गिरा। तो मतलब ये था कि इस हकीकत तक पहुंच गया कि जमीन के अंदर एक ऐसी सलाहियत है, एक ऐसी कशिश है, अट्रैक्शन है, तो वो चीज़ों को गिराने के लिए। अब उसने कहा ये ग्रेविटी है, तो वो उसको जाहिर है उसने लॉ को बनाया, लॉ ऑफ ग्रेविटी, सही है ना, लॉ ऑफ ग्रेविटी, यानी लॉ तो बन गया लेकिन ये एक ऐसा लॉ है अट्रैक्टिव फैक्ट जो कि हकीकत से जुड़ा हुआ है। आसान लफ्ज़ों में यही समझते हैं, जब कोई बात साबित हो जाती है ना, तो वो साबित पहले होती है और उस पर रूल्स और लॉज बाद में बनते हैं। क्लियर हो गई? जैसे उसने ये देखा था कि जमीन पर ही चीज़ गिरी, अब जमीन पर गिरी या हकीकत, उसने जानने की कोशिश नहीं की जमीन पर क्यों गिरी, वो यहाँ पर पहुँच गया, इस बात तक, इस तय तक पहुँच गया, इस नतीजे पर पहुँच गया कि इस जमीन के अंदर एक ऐसी सराहियत है, ग्रेविटी में आ जाता है, मतलब कुछ चीज़ों को खींचते भी करोगे। अब इसी बिना पर उसने लॉ बनाया, तो हकीकत साबित हुई तो लॉ बना, अगर हकीकत ही साबित ना होती तो लॉ कैसे बनता। तो कलेक्शन ऑफ रूल्स, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स और कलेक्शन ऑफ लॉज, सही, यही चीजें साइंस है। यहाँ पर बात कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स की थी, जो कि क्लियर कट लैंग्वेज में बता दिया गया हो और वो ऐसा हो, हकीकत सच्चाई ऐसी, उसको टेस्ट भी कर सके। इसी बात को दूसरे लफ्जों में यूँ बताया गया कि ऐसे रूल्स और लॉज जो कि फैक्ट से कनेक्टेड हो, हकीकतों से जुड़े हुए हों, उन्हें साइंस कहा जाता है। इतनी बात को समझने के बाद अगर आप यहाँ पर आते हैं कि साइंटिफिक और अनसाइंटिफिक का मतलब क्या बनता है, तो देखिए साइंटिफिक का मतलब उनके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यही बनता है कि साइंटिफिक का मतलब है ऐसी चीज, ऐसी साइंसी चीज, मतलब इल्म, साइंस का मतलब इल्म है कि जो हकीकत से जुड़ जाए, जो हकीकत से मिला हुआ, जो हकीकत को जानने में मदद दे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ। अगर तो वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रूथ उससे आपको हासिल हो रही है, आप सच को जान सकते हैं उसके जरिए, तो इसका मतलब ये है कि इट इज साइंटिफिक, और अगर ऐसा नहीं है साइंटिफिक है। सिमिलरली वास्ट कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, वास्ट कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स हकीकतों का जो मजमुआ है, वो ऐसा है कि जिसको वो टेस्ट कर सके बाय ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट, इसका मतलब ये है कि वो साइंटिफिक है। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब उसको टेस्ट नहीं किया जा सकता, वो ऐसी हकीकत से कह तो नहीं बात की जना वैसा है लेकिन उसको वो साबित नहीं कर सका, इसका मतलब है वो बात सच है, सही है ना। साबित कर दिया तो सच हो गई बात, मतलब कोई भी जाकर देख ले। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हम समझ रहे हैं कि अगर कोई ये शख्स कहता है कि पानी जो है अगर इसको यूज किया जाए तो वो फसल में ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म ऐसे हो जाएगा कि वो पानी में रहेगा, वो स्टीम बन जाएगा। अब ये बात आप कैसे मान लें कि वाकई हो सकता है, जब तक ये रिसर्च ना हुई तो लोग उसको समझते हो कि ये सिर्फ जादू था, कोई गायब हो गया पानी, लेकिन इस हकीकत तक इंसान जब पहुँचा कि ये चीज़ के हीट किया उसको और वो भाप बनकर स्टीम बनकर उड़ गया, ये हकीकत साबित हो गई, और उसके ट्रुथ को सच्चाई को टेस्ट करना चाहे वो भी गर्म करके अगर वाकई साबित हो गए बात, इसका मतलब भी सही है। ये बातें हम बहुत बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप कोई क्वेश्चन अब भी करना चाहें तो ज़रूर उसको मेंशन कीजिएगा और बताइएगा, ताकि तक हम बात को और क्लियर हो जाए। अभी अनसाइंटिफिक की बात चल रही है, ये साइंस की डिफिनेशन हमने समझिए, इसीलिए समझिए ताकि हमें ये समझ में आ जाए। क्लियर? अब साइंस की बात यही क्या जो हमने अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रूथ साइंस है, अब आ जाइए जनाब साइंटिफिक और साइंटिफिक पर। साइंटिफिक का मतलब ही ये है कि अगर कोई चीज़ वेल अरेंज्ड है, अब साइंस की डिफिनेशन से हमने तीन दिन डिस्कस किए, उसको यहाँ पर रिलेट करने वाले हैं। अगर कोई चीज़ वेल अरेंज्ड है इट मीन्स दैट इट इज साइंटिफिक। क्लियर? समझ आ गई ना? इसी तरह अब साइंटिफिक कहने में जब वो साइंस साहब ने कहा था कि ये चीज़ अनसाइंटिफिक है, इसका मतलब है उसने ये कहा था कि ये इन एग्जैक्ट है, ये एग्जैक्ट नहीं है, सही है। और ये अनसाइंटिफिक कहने का मतलब ये था कि वो वेल अरेंज नहीं है, वो बैडली अरेंज है,
क्लियर। मैं थोड़ा रैंडम चल रहा हूँ ताकि आप तुम रिलेट कर लेते हैं बैलेंस बैटरी, क्लियर हो गया। अच्छा जनाब, अब इसी टैक्स को भी आप जरा सामने रखिए ना, क्योंकि कुछ बातें ऐसी भी हैं जो कि टैक्स को अगर इग्नोर करें तो उसे गवर्नमेंट को समझ नहीं पाए। अगर तो साइंसदान ये देखे ना किसी किताब के बारे में या कोई भी रिसर्च की कुछ ऐसी कहने के आउटकम था, कोई रिजल्ट ऐसा उसके सामने जिक्र किया गया कि उसने विदाउट सफिशेंट एविडेंसेस, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस के बगैर ही नतीजा जिक्र कर दिया, ये कह दिया कि ये बात ऐसे साबित है, लेकिन उसमें दलीलें ज़्यादा नहीं है, एविडेंसेस ज़्यादा नहीं है, इसका मतलब है कि वो चीज़ भी अनसाइंटिफिक है। ये बात भी अनसाइंटिफिक है। मतलब ये बना कि अगर आपको किसी चीज़ पर, किसी बात पर साउंड एविडेंसेस मिल जाए, साउंड एविडेंसेस का मतलब है स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस, साउंड का मतलब स्ट्रॉन्ग हो रहा है यहाँ पर, मतलब ये इसका सही है, और एविडेंस गवाही को कहते हैं, प्रूफ को कहते हैं, सबूत को कहते हैं। तो अगर स्ट्रॉन्ग प्रूफ, स्ट्रॉन्ग विटनेस, स्ट्रॉन्ग एविडेंस अगर तो आपकी बात में है, आपने कोई बात की और उसके पीछे स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं, इसका मतलब है कि वो बात साइंटिफिक है, सही है। साइंटिफिक होने की भी कही जाती है ना, वेल अरेंज्ड होने की बात की थी, अगर तो वेल अरेंज्ड नहीं है मतलब तरतीब ही नहीं है उसके अंदर, उसको ऋतु के अंदाज में पेश कर दिया गया और उससे साबित नहीं हुई कोई बात जो, या इतने मौसर अंदाज में साबित नहीं हुई जितना आप करना चाह रहे हैं, तो वो अनसाइंटिफिक बन जाएगी। और अगर साबित हो रहा है वेल अरेंज्ड है तो साइंटिफिक है। दूसरी बात जो हमने जिक्र की वो ये कि साउंड एविडेंसेस, स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस कुछ बात में है तो वो साइंटिफिक है। अब मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल दूँ छोटी सी, ये बताएं कि इस कायनात को चलाने वाला कौन है। आप लाजमी कहेंगे कि अल्लाह ताला, अल्लाह ताला नजर आता है, नजर नहीं आ रहा। अब अल्लाह ताला हमें नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन अल्लाह ताला के वजूद होने पर कोई दलील है हमारे पास। अल्लाह ताला नजर तो नहीं आ रहा लेकिन कोई वजूद होने पर दलील है, कहीं हाँ बिल्कुल दलील है। जाहिर है कि इतनी बड़ी कायनात का जो निज़ाम है वो ऐसे थोड़ी चल रहा है, खुद का खुद कोई चली एक मशीन भी बगैर ऑपरेटर के नहीं चल सकती, तो इतना बड़ा कायनात का निज़ाम पूरा यूनिवर्सल सिस्टम कैसे चल सकता है। इसका मतलब है कि ये बात जो हमने की कि जरूर कोई है अनसीन पावर, कोई ना दिखाई देने वाली ताकत जो चला रही है वही है, और उसकी अगर आप प्रूफ की बात करें कि कैसे पता चलेगा कोई साउंड एविडेंस है इसके पीछे, देख लें आप जमीन में बीज होते हैं, बीज के अंदर कौन सी सलाहियत ऐसी होती है कि उससे पौधा बन जाए, और जरा कोई अब पेंसिल अब जमीन के अंदर उसी मिट्टी के अंदर डाल दें, ऊपर से पानी डाल देना, 40 दिन तक डालते रहे आप चाहे कुछ भी नहीं होगा, बीज बोया आपने मसाले, अच्छा ऐसा भी कोई चीज़ नहीं है कि नहीं बीज के अंदर ही कुछ ऐसा था, ऐसे बहुत सारे बीज बोले जाते हैं जिनमें कुछ भी नहीं होता जाया जाते हैं। साउंड एविडेंस क्या है, तो यही है कि इतना बड़ा सिस्टम जो इतने शानदार अंदाज में चल रहा है वो बगैर किसी चलाने वाले के चल ही नहीं सकता, यही चीज़ इसके पीछे है, यही साउंड एविडेंस है। एक और आसान करके एग्जाम्पल दे दूँगा जिन्नात की, चले देते एग्जाम्पल, अगर कोई आपसे ये कहता है किसी भी ऐसी जगह पर जाकर जहाँ पर वीरान जगाती को और डर कर भाग रहा जाता है और वो कहता है कि यहाँ पर कोई है, अब यहाँ पर कोई है तो ये बात हम कैसे मान लें, नज़र तो कोई आ नहीं रहा, कोई ये कहता है मैंने आवाज़ें सुनी है, मैंने यहाँ पर देखा है कि चल के गया, लेकिन सब कुछ बनता। देखिए स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस क्या है, कभी चीज़ नज़र नहीं आ रही लेकिन उसके आसार तो है ना, आसार का होना ही उस चीज़ के मौजूद होने पर दलील होता है। अल्लाह ताला नज़र नहीं आ रहा लेकिन अल्लाह ताला के नज़र ना आने पर ये बात तो कहीं नहीं जा सकती, चूँकि वो नज़र नहीं आ रहा तो है नहीं, उसके आसार तो है ना, उसकी ये काम तो नज़र आ रहे ना। तो जब कोई कुर्सी पर बैठा नहीं था और कुर्सी खुद ब खुद हरकत करने लगी और आप डर के कमरे से बाहर निकल आए और आपने कह दिया यहाँ कोई है, इसका मतलब है वो नज़र तो नहीं आ रहा बट कोई तो है, उसका हिलना जुलना आवाज़ का होना इस बात पर दलील होगी, यही साउंड एविडेंस मिल जाएगी। साउंड एविडेंस स्ट्रॉन्ग रीजन, स्ट्रॉन्ग एविडेंस, गेटिंग माई पॉइंट। ये एक शानदार एग्जाम्पल है और इस बात को समझने के लिए काफ़ी है। इसी तरह अब साइंटिफिक की अब बात करें, अनसाइंटिफिक की, मतलब साइंटिफिक वही चीज़ है जिसके
पीछे आपको साउंड एविडेंसेस नजर आते हैं और अनसाइंटिफिक जिसके पीछे आपको साउंड एविडेंसेस नजर नहीं आते हैं, क्लियर है। अब मैं यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ ताकि ये बात और क्लियर हो जाए। अच्छा, जो मैंने आपके सामने ये सर्किल किए हैं उन पॉइंट्स को हमने डिस्कस कर लिया, जैसे ये वाला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, ये भी कर लिया है, ये भी कर लिया है, चेक के रखा ये भी कर लिया, ये वाला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है, क्लियर। यही अनसाइंटिफिक सॉरी एविडेंस वाले पॉइंट पर ही ये साउंड एविडेंसेज इनसफिशिएंट, इनसफिशिएंट मतलब ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंसेज नहीं। फॉर एग्जाम्पल कोई रिसर्च हो गया, जब कोई रिसर्च होती है तो उस रिसर्च का जो रिजल्ट होता है ना उस पर हमें रिलाई करना पड़ता है, भरोसा करना पड़ता है, ट्रस्ट करना पड़ता है कि ये बात सच है। वो कैसे? क्योंकि वो इस तरह की गई होती है कि कोई भी हकीकत छुप ना सके। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल लोगों की प्रॉब्लम, सही है। अच्छा, ये मैं एग्जाम्पल जो दे रहा हूँ ये किसी भी तो आपने ऐसा नहीं है कि सुन जाना। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी जगह है कि लोग वहाँ पर रहते हैं, लोगों से पूछा जाता है कि आपको यहाँ पर तकलीफ तो नहीं है, प्रॉब्लम्स होगा आप आएंगे यहाँ पर, ये रिसर्च की जा रही है, लोगों की प्रॉब्लम्स आ रही है। हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन में तमाम लोग खुलकर बात कर सकें और कहते हैं कि हम बिल्कुल सही हैं यहाँ पर, हो सकता है किसी के फौसे ही गए, या अगर हमने किसी के अगेंस्ट बात कर दी तो वो बोलेंगे अच्छा सिस्टम तो हमारे हाथ में और आप हमारे खिलाफ बात करें। बट अगर यही वाली बात कि आप क्या प्रॉब्लम्स हैं, अगर यही बात उनसे डायरेक्टली पूछी जाए, उनसे कहा जाए आप दिक्कत दे रहे हैं, आपका नाम भी हम पूछीदा रखेंगे या कोई वेबसाइट है, इस तरह के आपकी पहचान छुपी रहेगी, आप अपना नाम भी जिक्र नहीं करें, बस अपने प्रॉब्लम बता दें। तो ऐसी सिचुएशन में जिनको दिल खौफ था ना कि हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है, खुलकर अपनी बात पहचान कर सकते। अब उन लोगों की जो राय होगी उस राय को रिसर्च करने वाला अपने रिसर्च में लिखे और पूरी बाकायदा कैलकुलेशन करेंगे, सिर्फ फॉर एग्जांपल कि 5% लोगों की इस बारे में ये राय, वो कौन लोग हैं ये हमें नहीं पता क्योंकि हमने उनके नाम पूछे कर रखे हैं, और 10% लोग ये कहते हैं, 50% लोग ये कहते हैं। अब ये जो परसेंटेज निकाली जिसके अंदर लोगों के नाम भी नहीं है और उन्होंने जो बात जिक्र की थी वो भी पूरी दयानदारी ऑनेस्टली ईमानदारी के साथ की, तो ये बात अब जब रिसर्च में जिक्र की जाएगी तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो प्रॉब्लम फाइंड आउट की गई है ना लोगों की, वो मसला क्या है, उसका जो रिजल्ट है आउटकम है वो बिल्कुल ओके है, सही है, वो साइंटिफिक है। तो क्यों? क्योंकि उसके पीछे साउंड एविडेंसेस है, स्ट्रॉन्ग रीजन है, ऐसी दलील एविडेंस है जिसको रद्द किया जा सकता है क्योंकि रिसर्च करने वाले ने पूरा डेटा जमा किया उन लोगों से, गेटिंग माय पॉइंट। इसी तरह गूगल को आप देखें, गूगल ने ये देख लिया कि कितने लोग हैं जो इस वेबसाइट पर आते हैं और इतनी देर तक रुकते हैं और ये क्लिक करते हैं, लोगों का इंटरेस्ट ये है, तो उसके पास जो पूरा डेटा होता है वो इसी तरह होता है कि उसके पास पूरी एविडेंस होती है, वो बता सकता है ये उसका आईपी एड्रेस है, इस टाइम पर वो लोग यहाँ पर आए, सो इट इज़ साइंटिफिक, सही है। इतनी बात समझने के बाद आप एक और बात को अगर हम समझें वो ये कि पर्सनल पैराडाइज नहीं उसके अंदर, अगर तो किसी ने कोई किताब लिखा सेव और या कोई रिसर्च, लेकिन उसके अंदर उसने अपनी पर्सनल पैराडाइज, पर्सनल फीलिंग्स, पर्सनल ओपिनियन, पैराडाइज जैसे तासुब को कहा जाता है और भी मीनिंग से यहाँ पर हम बता दे सकते हैं, पर्सनल ओपिनियन फॉर एग्जाम्पल उसने ऐड कर दिया, यूँ कह दिया कि मेरे मुताबिक ऐसा है, तो चूंकि उसने अपने मुताबिक कह दिया और कह दिया कि मेरे मुताबिक ऐसा है, इसका मतलब यह है कि ये बात अनसाइंटिफिक है, ये हकीकत को बयान नहीं। वही वाली बात मैं अगर रिसर्च की बात करूँ, अगर तो हमने लोगों के मसाइल प्रॉब्लम्स को उनके मसाइल को जानना है, अब हम यहाँ बैठ कर ये अंदाज़ा लगा दें कि हो सकता है लोगों को ये मसला हो सकता है ये मसला हो और हकीकत ऐसा था, कितने लोगों को वाकई मसला है। अगर आपने कोई बात कहनी है तो आप उसके प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए बाकायदा रिसर्च जिसको कहते हैं साइंटिफिक और सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन वो करके देख लें, तब तो आपकी जो बात साबित होगी ना जिसमें आपकी अपनी राय नहीं होगी वो साइंटिफिक बात कहने होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है उसने अपने पर्सनल प्रेजुडाइज को ऐड कर दिया इट मीन्स दैट इट इज अनसाइंटिफिक और इसी को इसी अगर ऐसा होता है मतलब पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि हकीकत आपके कितने सामने आ गई। वही वाली बात जो मैंने एक दफ़ा जिक्र की सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी के अंदर आप अपने निगाह से देखते हैं किस चीज़ को, ऑब्जेक्टिविटी में ऐसा नहीं होता बल्कि जैसी कोई चीज़ है चाहे उसमें अच्छाइयाँ हों या बुराइयाँ हों बिल्कुल आप एग्जैक्टली उसको पेश कर देते हैं और क्या देते हैं इसके अंदर ये मैंने बात। तो
साइंटिफिक अनसाइंटिफिक बहुत डीपली डीपली आपने सीख लिया है। अब इसका फायदा क्या होता है तो देखिए, मैं रिसर्च की भी बात कर रहा था, सिस्टमेटिक स्टडी टू सी फैक्ट्स, हकीकत को हकाई को जानने की जो सिस्टमेटिक स्टडी है उसको कहा जाता है रिसर्च, या प्रिंसिपल्स को थ्योरीज को जानने की वही वाली बात कि साइंटिफिकली जब आप किसी बात को जानते हैं उसके पीछे स्ट्रॉन्ग एविडेंस सारी चीज़ें आप जानते हैं और उस पर भी डिपेंड है। इसका एडवांटेज क्या होता है कि कोई बात साइंटिफिक है तो हम कैसे उसको मतलब हमें क्या फ़ायदा होगा अगर साइंटिफिक, उसका ये फ़ायदा होगा कि बिलीव इन ईच अदर सेंसेशन, अब दूसरों की बातों पर बिलीव उसमें बिलीव किया जा सकता है। अब साइंटिस्ट हैं, दो साइंटिस्ट हैं मिस्टर ए और मिस्टर बी। अब मिस्टर ए ने उनको ये कहा कि जनाब आप इस काम पर लग जाए मैं इस काम पर लग जाता हूँ, चूँकि रिजल्ट लंबी है आप इसका रिजल्ट फाइंड आउट कर लें मैं इसका रिजल्ट फाइंड आउट कर लेता हूँ। अब मिस्टर ए ने जो रिजल्ट फाइंड आउट किया वही उन्होंने तरीका अपनाया जो मिस्टर बी ने अपनाना था, तो इनका जो रिजल्ट होगा जाहिर है अगर ये भी रिसर्च करें तो ये रिजल्ट होगा, सही है ना। तो चूँकि इनका जो रिजल्ट भी सामने आ रहा है ये है साइंटिफिक, सही है, क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एविडेंस उसके पीछे होंगी, वो तरीका होगा जिसको सब एक्सेप्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेटर में आप लिख दें 2+2, अब आप लिखें या लिखें मैं लिखें जाहिर उसका आंसर 4 ही आना है, ऐसा नहीं होगा कि आप 2+2 लिखे तो 4 आए और मैं लिखूँ तो 2+2 6 आ जाए, ऐसा नहीं होगा। सो ये जो आंसर हमारे पास आ रहा है ये स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस की बुनियाद पर आ रहा है, टूल बिल्कुल सही यूज किया गया है, सही है, तरीका बिल्कुल सही इस्तेमाल किया गया है। सो दिस इज ये कहने के आज शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ साइंटिफिक अनसाइंटिफिक, आई होप यू गॉट अ क्लियर आइडिया ऑन दिस चैप्टर, इसको जरूर आप पढ़िएगा और इसको अपने बहुत डेप्थली समझाएं। और यही चैप्टर साइंस एंड सोसाइटी नाम का जो एक और चैप्टर है जिसको बातें करके डिस्कस करेंगे उससे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, इसलिए मैंने इसको इतना ज़्यादा डेप्थली समझाने की पूरी कोशिश की है। आई होप यू गॉट अ क्लियर आइडिया ऑफ दिस चैप्टर, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन।